हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही खस्ता और मज़ेदार नाश्ता बनाया है जो बनाना बहुत आसान है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने टमाटर सॉस के साथ परसा है। देखने में जितना सुंदर है उतना ही लाजवाब खाने में भी है। दिख रहा है ना, एकदम मन ललचाने वाला ये रेसिपी जो बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब है। बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट में आपकी रेसिपी बन जाएगी। फ्रेंड्स कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। जैसे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1/2 कप इसमें सूजी ली है और 1/2 कप ही मैंने इसके अंदर बेसन लिया है। तो थोड़ी सी तैयारी आप करके रख लेंगे तो एनी टाइम आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब चाहे तब बना के दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी अजवाइन डाली है 1 छोटा चम्मच, कलौजी डाला है 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर तेल डाला है और इसको हम मसल लेंगे जिस तरीके से मैं मसल रही हूँ। अच्छे से मसल लेना है जैसे मैं मसल रही हूँ, तेल हमारा आटे के अंदर मिल जाए। देखिए ये इस तरीके से, जब हम मुट्ठी बांधे ना तो ये बन जानी चाहिए। तो ये रेडी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। कभी भी आटा गूंदते समय ज़्यादा पानी नहीं यूज करना है। मैं हमेशा आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप कोई भी आटा गूंदे एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। तो ये जो डो है हमको बहुत कड़क भी नहीं बनाना है और बहुत नरम भी नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है। देखिए मैंने ये डो बना लिया है, हमारा ये डो रेडी है। अब इसको थोड़ा टाइम के लिए ढक देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखी थी मैंने। तेल गरम किया 1 छोटा चम्मच, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी सरसों का दाना और अदरक डाला है, लहसुन डाला है। आप जो भी सामग्री नहीं खाते हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, जैसे लहसुन प्याज हो गया। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने मटर डाला है और थोड़ी सी कड़ी पत्ता को काट के मैंने डाला है। लाल मिर्च है उसको मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, 2 लाल मिर्च और 1 कसूरी मेथी है। मसालों का तो अपना ही फ्लेवर रहता है फ्रेंड्स, तो आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, ये जितनी भी सामग्री ले रही हूँ मैं सब 1 छोटा चम्मच ही ले रही हूँ। इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर डाला और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला है। 1 गाजर लिया है मीडियम आकार का, क्रश करके रख लिया था, और 1 उबला आलू। जो भी मैं सामग्री डाल रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप जितना आपको बनाना हो वो हिसाब से क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 बड़ा आलू उबाल के रख लिया था जिसको मैंने पहले से कद्दूकस से कस कर लिया है। और इस तरीके से हम मिला लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे ना तो ये मसाले का स्वाद ना बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए ये मैंने इसमें हरी धनिया ऐड कर दिया है और सभी मसालों के साथ में आलू भी हमारा भुना रहा है। मैंने बहुत कम तेल का यूज किया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप ओवन में भी बना सकते हैं बिना तेल के। और ये जो मैं मसाले बना रही हूँ और जो मैंने आटा गूंद के रख लिया है, आप सिर्फ ये 2 चीज़ रेडी करके रखिए दोपहर में या शाम को, जब ज़रूरत हो तब आप तुरंत बना लीजिए। 5 मिनट में आपका ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैंने नींबू से भी छोटे आकार में इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां बना के रख रही हूँ। देख लीजिए आप, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अगर आप इसमें प्याज शिमला मिर्च वगैरह डालना चाहें तो डाल सकती हैं। देखिए ये रेडी हो रहा है, लेकिन गेहूं के आटे से ना बहुत ही क्रंची और खस्ता ये रेसिपी बनती है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि गेहूं के आटे की रेसिपी है। तो मैंने कुछ ये लोइयां बना ली हैं। और आपको ये मेरा चैनल कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। देखिए ये आटा हमारा अच्छे से, ये सूजी फूल चुकी है, थोड़ा इसको हम मसल लेंगे जैसे मैं मसल रही हूँ।
ये मसल के अब तैयार हो चुका है। इसकी हम लोई काट लेंगे, रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई काटेंगे। तो मेरी लगभग 4 से 5 ये लोइयाँ तैयार हो रही है, बस वो हिसाब से मैंने लोई काट लिया था इसी तरीके से जैसे मैंने काट लिए हैं। और आप याद रखिए, ये जो हमारा आटा है इसको बहुत नरम नहीं गूंथना है, जो मैं आपको पहले बोल रही थी, और ना बहुत कड़क गूंथना है। ये रोटी से थोड़ा सा हार्ड है, रोटी का जो आटा रहता है ना उससे थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा आटा लगाकर हम इस तरीके से इसको बेल लेंगे फ्रेश। थोड़ा सा आटा लगाएंगे ना तो ये सरकने लगेगा, बस ऐसे ही जितनी बड़ी ये हो सकती है उतनी बड़ी हमको बेल लेना है। देखिए जैसे रोटी रहती है ना सेम उसी तरीके से पतली बेलनी है, और ये चारों तरफ से इसका कोना हमको काट लेना है ताकि ये चौकोन रेडी हो जाए। और अब पहले हम निशान लगा लेंगे ताकि इक्वल हो जाए कटिंग। तो इस तरीके से निशान लगा के मैंने इक्वल कटिंग कर लिया है, और यहाँ पे भी हम चौकोन के हिसाब से कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं, और जो मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के रखे थे इस तरीके से बीच में रख देंगे, जो हमारा आलू का चोखा बना हुआ है, आलू का मिक्सर बोल लीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लग रही है ये रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कीजिए। आप भी इसी तरीके से बनाते हैं क्या, मुझे ज़रूर बताइए। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी किनारों पे लगा दिया है, और ये बहुत कम समय में बनने वाला ये रेसिपी, जो बहुत ही क्रंची चटपटा और खस्ता है, टिफ़िन में दीजिए, या फिर आप शाम को, या फिर सुबह में नाश्ते में, या फिर कोई मेहमान आने वाले, तुरंत ये रेसिपी बन जाती है। जितनी आपको जल्दी दिख रही है ना उतनी ही जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए उंगलियों के मदद से ये इस तरीके से अंदर मसाले को दबाते हुए हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे क्योंकि पानी लगा हुआ है तो ये अपने आप चिपकने लगता है। बस दोनों तरीके से, दोनों तरफ से इस तरीके से अंदर दबाते हुए इसको प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि ये तेल में जाके खुले नहीं। देख रहे हैं कितना आसानी से ये हो जा रहा है, आप देख लीजिए। समोसा बनाते समय घंटों की मेहनत लगती है सेब बिट देने के लिए, लेकिन ये बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, और गेहूं के आटे की बनी है तो खाने में भी बहुत कुरकुरी क्रंची है। आप किसी को बताएंगे नहीं कि गेहूं के आटे की बनी है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा। देख लीजिए बस इस तरीके से हम पूरे जो हमारे स्क्वायर कटे हुए हैं इसको कर लेंगे। देखिए इस तरीके से दबाएंगे, थोड़ा सा मतलब प्रेस करना है ताकि ये जब अच्छे से चिपक जाए जो पानी लगा है हमारा। बहुत सुंदर दिख रहा है ना, और आसान कितना है। साथ में ही मैंने तेल रख दिया है मीडियम गैस पे गरम होने के लिए। देखिए ये झटपट से बनने वाली रेसिपी आप कभी भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये किनारी आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा है तो आप उसको इस तरीके से काट कर भी निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने प्रेस कर दिया था उसी तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, पापड़ी भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। देखिए एक बार में हमारे कितने सारे ये नाश्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो तेल मैंने मीडियम गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए पहले से ही, और इसको हम अब तल लेंगे। अगर आप चाहे तो एयर फ्राई में उसको फ्राई कर लीजिए, या फिर मेरी तरह से तल लीजिए, या फिर कम तेल में जैसे मैं तल रही हूँ ऐसे तल लीजिए। थोड़े से समय पे ये उलट लेंगे, सिर्फ इसको अभी 1-1.5 मिनट ही हुआ है और ये मैंने पलटी कर लिया है, आपके सामने है, देख लीजिए। अगर आप पहले से ही
आलू का मसाला बनाकर रख ली और आटा गूंद के रख ले, तो ये आप कभी भी एनी टाइम, सिर्फ इसको 5 मिनट ही लगता है फ्रेंड्स। ये रोटी बेलिए, काटिए और गोल करके उसके ऊपर रख दीजिए। और ये मैंने 3 मिनट में ही उल्टा पलटी करके तलकर मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, क्योंकि पूरी हमारी जब हम बनाते हैं ना वो भी बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। गेहूँ के आटे से बने ये हमारे खस्ता कंजी नाश्ता जो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको, कितनी खस्ता है आप देखिए, कितनी क्रंची है। बस अब हम मिर्ची के साथ में और सॉस के साथ में गर्मा गर्म परोसेंगे, देखने में सुंदर, खाने में लाजवाब। आप अपने हिसाब से जो भी सब्जियां चाहें इसमें डाल सकते हैं, और जिसके सामने आप ये परोसेंगे ना उसके तो मुँह में पानी आ ही जाएगा। तो कैसी लगी ये रेसिपी, अच्छी लगी ना आपको? तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।